सबसे पहले मैं मुजफ्फर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस कदर खूबसूरत मुशायरे में मुझे मौका दिया। साथ ही साथ मैं कमाल जायसी साहब का भी बहुत बहुत मशकूर हूं। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूं और यहीं से दोस्तों मुशायरे को आप जिंदगी दे दें, ये मुशायरा पूरे तौर से कामयाब हो जाए और इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा कामयाब होगा आपकी मोहब्बतों से, आपके ताउन से। हमें एक हुनर बेमिसाला गया है, क्या कहने बाप। हमें एक हुनर बेमिसाला गया है, छुपाना हमें अपना हाला गया है, छुपाना हमें अपना हाला गया है, छुपाना हमें अपना हाला गया है, छुपाना हमें। आदाब, जरा नवाजी का शुक्रिया। दोस्तों एक शेर पेश करता हूँ और लगना चाहिए ये मीरा रोड में मुशायरा हो रहा है और आपने हमेशा जमील को अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। सुने राज भाई, इन तमाम शोरा के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ। आज गूंजेगी काबे की छत से, लगना चाहिए दोस्तों, जैसा आवाज बढ़ाए। आज गूंजेगी काबे की छत से, आज गूंजेगी काबे की छत से, अजा देने देखो बिलाला गया है, वाह वाह वाह, बिलाला गया है, अजा देने देखो बिलाला गया है, अजा देने देखो। हजरात, जब हम ये तमाम हमारे मोहतरम शायर मुजफ्फर हुसैन साहब के दौलत खाने पे गए तो वहाँ एक शख्सियत से मुलाकात कराई मुजफ्फर साहब ने। मैं एक शेर पेश करता हूँ, आप अपने साथ ले जाइए। अनवर भाई, आता हूँ, समाप्त करें शेर। चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, चिरागों को हम खून पिलाने लगे हैं, अंधेरों तुम्हारा जवाला गया है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अंधेरों तुम्हारा जवाला गया है, अंधेरों तुम्हारा जवाला गया है, अंधेरों तुम्हारा जवाला गया है, अंधेरों तुम्हारा। और इस गजल का एक शेर दोस्तों, बहुत ही अदब के साथ इन शुआरा के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। सुने हजरात, मौलाना जकरिया साहब तशरीफ रखते हैं, सैयद साहब हमारे नसीम साहब हैं, मीरा रोड के बहुत से लोग हैं जो मुशायरे को ज़िंदगी देते हैं जिस तरह से आप मुशायरे को ज़िंदगी दे रहे हैं। सुनो, मामूली सा शेर है मगर ये बात मेरी नहीं है, आपकी है। मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, तेरे दिल के शीशे में बाला गया है,
दिल के शीशे में बाला गया है, तेरे दिल के शीशे में बाला गया है, तेरे दिल के शीशे में। भाई कमाल जायसी साहब, ये ऑपरेटर से कहिए कि इस माइक को एक जगह पे सेट कर दें, उसके बाद शायद पे छोड़ दीजिए। आप आगे पीछे आवाज़ को कर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूँगा। मेरे मदरसों को बुरा कहने वाले, मेरे मदरसों को बुरा बुरा कहने वाले, तेरे दिल के शीशे में बाला गया है, तेरे दिल के शीशे में आदाब बाला गया है, जो देखा वतन में। कमाल भाई, जो देखा वतन में तबाही का मंजर, जो देखा वतन में तबाही का मंजर, मुझे करबला का ख्याल आ गया है, मुझे करबला का ख्याल आ गया है, मुझे करबला का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये आप गज़ल सुनी आपने और गज़ल को गज़ल की तरह सुना। मैं एक एक शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ इस माइक से। और आइए अब एक गज़ल है मेरी मामूली सी आप सबकी खिदमत में। बम्बई के मुशायरों में इससे पहले मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप तक टेलीविज़न के ज़रिए पहुँची हो गज़ल तो मैं नहीं कह सकता, मतलब पढ़ता हूँ। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का, मुसलसल गम का, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कौन अपने क्या कहने को सस्ता कर रहा है। अनवर जलालपुरी साहब, बहुत अच्छे, और जितने भी शोरा हमारे स्टेज पे हैं, मैं समझता हूँ ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि मुजफ्फर हुसैन साहब ने इतना बड़ा मुशायरा आपको दिया है, हम तमाम शोरा का हक बनता है, मैं तमाम शोरा की तरफ से एक शेर मुजफ्फर साहब की खिदमत में पेश करता हूँ, आप सुने। और मैं समझता हूँ अगर ये शेर मैं न पढ़ूँ तो इस मुशायरे का मकसद नहीं हल होगा। शेर क्या है, अगर वाकई जो मैं कहना चाहता हूँ और आप उस बात को समझ जाएंगे तो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं से नवाजेंगे। बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, क्या कहने मुजफ्फर हुसैन साहब, बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में। मीरा रोड वालों, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, ये हर घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया इसलिए कि आपने इस खादिम का ये शेर सुन लिया, मैंने मुजफ्फर साहब को सामने रख के पढ़ा है, आप सब ने इसको सुना और अपनी दुआओं से नवाजा। एक मर्तबा और पढ़ता हूँ। बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए।
कहने हैं जमील भाई, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में उजाला कर रहा है। और दोस्तों एक शेर मामूली सा, आप अपनी दुआओं से नवाज देंगे तो मुझे खुशी हासिल होगी। फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। ये हमारे हबीब हाशमी साहब देख रहे हैं। मुझसे पहले अनवर जलालपुरी साहब ने राहत साहब के बारे में, हबीब हाशमी साहब के बारे में, हक कानपुरी के बारे में किस कदर वालेहाना गुफ्तगू फरमा रहे थे। ये सब वो नाम है जिनसे मुशायरे हैं, मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ। इरशाद, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, तिलावत घर में बचा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, तिलावत घर में बचा कर रहा है, तिलावत घर में बचा कर रहा है। हबीब हाशमी साहब, आपके हवाले से मैं एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर आपसे दाद ना ले ली तो जमील जमील नहीं। इरशाद, हम उसकी याद से गाफिल हैं यारो, हम उसकी याद से गाफिल हैं यारो, कोई सजदे पे सजदा कर रहा है, कोई सजदे पे सजदा कर रहा है। राहत भाई, ये लंदन से तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम, किस कदर खूबसूरत हैं ये, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा शेर मैं इनको दे दूँ कि एक साल तक ये मुझे याद रखेंगे, एक साल तक ये मुझे भुलाना भी चाहेंगे तो नहीं भुला पाएंगे। शेर क्या है सुने, जो था मुमताज सारे महकशों में, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, अरे तौबा वो तौबा कर रहा है। वाह भाई, क्या जबान है, सुभान अल्लाह, अरे तौबा जमील साहब। वाह वाह, मजा आ रहा है। राह साहब बहुत कीमती जुमले दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी झोली में और कुछ भी नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि उसकी जात से कोई महरूम नहीं, कोई मायूस नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि राहत साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए, राहत साहब को तुम दुआ सबके लिए की जा सकती है, उसमें छोटे बड़े का कोई इम्तियाज नहीं। अपने बुजुर्गों से मैंने सुना, दुआ उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में की जाए।
जो था मुमताज सारे मैं कशों में, आप लोग मुस्कुराइए आपके मतलब का भी शेर है, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, मुस्तफ़ा राठौर साहब, जो था मुमताज, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, अरे तौबा वो तौबा कर रहा है, अरे तौबा। आइए तशरीफ लाएं मौलाना साहब, बैठा लिए इनको इज्जत के साथ, ये हमारे मोहतरम हैं हजरत। आइए, मैं एक फरमाइश है उसके चंद शेर पढ़ देता हूँ, हालांकि मेरा काम पूरे तौर से हो गया है, मगर ये फरमाइश है दोस्तों की, मतलब पेश करता हूँ। सुने हजरत, जैसा कि मुझे कमाल जायसी साहब ने बताया कि ये सिर्फ मुशायरा होगा, इसमें कोई भी इस तरह का शेर नहीं पढ़ा जाएगा जिससे हमारे मुशायरों पे दाग लगे, हमारी उर्दू जबान पे दाग लगे, कोई भी ऐसा एक शेर नहीं पढ़ा जाएगा। इससे मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई कि वाकई ये मुशायरा मुजफ्फर हुसैन साहब मुशायरा कर रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ ना, हमारे पास बहुत से ऐसे शेर हैं, नौजवान जो है उनकी आकबत खराब हो सकती है, मगर एक भी शेर ऐसा नहीं पढ़ा। निगाह मुझसे, मौलाना साहब आप भी दुआओं से नवाजिएगा। निगाह मुझसे चुराने से कुछ नहीं होगा, अनवर भाई। निगाह मुझसे, निगाह मुझसे चुराने से कुछ नहीं होगा, और इधर उधर कहीं जाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर कहीं जाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर कहीं। राहत भाई, किस कदर सुकून के साथ मुशायरा आप देख रहे हैं, ये हमारे दोस्त सुन रहे हैं। जी चाहता है मैं सबको मुबारकबाद पेश करूं, एक शेर पेश करता हूं। अनवर भाई, इरशाद बताओ। बड़े शबाब पे नफरत की आंधियां हैं यहाँ, अभी चराग जलाने से कुछ नहीं होगा, अभी चराग जलाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर कहीं। मौलाना जकरिया साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं एक शेर और पढ़ के आपसे रुखसत तो जाऊंगा। सुने हजार, राहत भाई आपकी दुआएं चाहिए मुझे, और मुझे दुआ आप दे रहे हैं। शेर ये है, सुने हजार। जी जी सुने जाती है, अजमेरी भाई भी पीछे बैठे हुए हैं ना, हाँ, मीरा एकता कमेटी के लोग भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं सबके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। सुने हजरत, तमाम मुल्क में सदियों से हम नुमाया है, हमारा नाम मिटाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर कहीं जाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगली सबसे लेकर और आखिर तक चेयर पे जो लोग बैठे हैं, मैं एक एक शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि आपने जमील को अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया। मेरे बाद अनवर भाई जिस शायर को बुलाएं या किसी खातून को बुलाएं तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा उसको अपनी दुआओं से नवाजिएगा तो मुझे बहुत खुशी हासिल होगी दोस्त।